बिग बॉस विनर को किया गया आदि पुरुष की स्टार कास्ट में शामिल। क्या इस बार टीवी इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी भी करेंगे मल्टी स्टार और बॉलीवुड फिल्म में काम? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त तन्विता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म आदि पुरुष में कई सारे मेगा स्टार्स नजर आने वाले हैं। न्यू कमर्स, टीवी सेलिब्रिटीज से लेकर सुपरस्टार्स सभी मिलकर आदि पुरुष को एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इंडिया की एपिक रामायण में ऐसे कई सारे किरदार हैं जिनकी रामायण में अहम भूमिकाएं थी। हर बार जब भी रामायण की बात होती है तो इसमें शामिल हर एक किरदार की अपनी ही एक कहानी और अहमियत नजर आती है। इसी एपिक रामायण से इंस्पायर्ड बॉलीवुड फिक फिल्म बनाने जा रहा है जिसका टाइटल है आदि पुरुष। एक ऐसे फिल्म जिसमें फिल्मी जगत के सभी टॉप सुपरस्टार्स को शामिल किया गया है। इस फिल्म से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज और लेटेस्ट अपडेट्स हर दिन सामने आ रही हैं। क्या है आज आदि पुरुष से रिलेटेड टॉप अपडेट, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आदि पुरुष में मेन लीड यानी श्रीराम के किरदार में नंबर वन एक्टर साउथ सुपरस्टार प्रभास नजर आएंगे। वहीं उनके अपोजिट रावण के रोल के लिए सैफ अली खान को साइन किया गया है। आदि पुरुष में जहां पहले नागा चैतन्य का नाम सामने आ रहा था जो कि बॉलीवुड में इस फिल्म के जरिए अपना डेब्यू करने जा रहे थे, वहीं अब टीवी सेलिब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला का नाम आगे आ रहा है। खबरें हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला आदि पुरुष में अहम किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला कौन से किरदार में नजर आएंगे ये एक सस्पेंस बना हुआ है। हनुमान, विभीषण और नेगेटिव रोल में रावण के अलावा नेगेटिव रोल की बात करें तो कुंभकर्ण और शुभनखा जैसे कुछ और किरदार हैं जिनके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वहीं टीवी के कुछ चहेते सितारों के नाम इस फिल्म से जोड़े जा रहे हैं। देखते हैं कि सिद्धार्थ के बाद अगला नाम किसका आता है और कौन किस किरदार को निभाता हुआ नजर आता है। आदि पुरुष फिल्म सिर्फ अपनी कहानी को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी स्टार कास्ट को लेकर भी दिन ब दिन पॉपुलर होती जा रही है और हर कोई फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहता कि ये रामायण के ऊपर बेस्ड है बल्कि इसलिए भी देखना चाहता है कि आखिर इसमें उनके चहेते सितारे इन महान रामायण के पात्रों को निभाते हुए कैसे नजर आने वाले हैं। आखिर किस तरह की रहेगी सभी की परफॉर्मेंसेस, क्या आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की सभी अपडेट्स के लिए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, हम आपको जल्द ही मिलेंगे और भी अपडेट्स के साथ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आपके हिसाब से क्या होने वाला है सिद्धार्थ शुक्ला का रोल, अपने व्यूज हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आगे की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है कोमल तिवारी ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ, सायोनारा।